तो गाइस थोड़ा बहुत सामान ले लिया, बाकी अभी घर की तरफ निकल रहे हैं। बारिश देखो पड़ रही है, मौसम बहुत सुहाना हुआ है। तो गाइस अभी हम आए हुए वॉलमार्ट, आपको पता ही है रेगुलर यूजुअल हमारा वॉलमार्ट का चक्कर लगता ही लगता है। तो आज है फ्राइडे, तो आज रश भी नहीं है ज़्यादा, तो मैंने कहा फटाफट थोड़ी बहुत व्लॉग बना लें यहाँ पे। वैसे तो आपने सारे सेक्शन देखे हुए हैं, बट फिर भी आप लोगों से थोड़ा बहुत तो शेयर करना ही होता है वॉलमार्ट का सीन। ये पड़ी चीनी देखो कितनी बोरियाँ भर भर के आती है चीनी की, ये पूरा पैकेट चीनी का इतना बड़ा। तो ये है अबाउट 25 पाउंड का, 11 किलो का, 11 किलो का इतना बड़ा चीनी का पैकेट है। और ये है $12 का, ये भी सारा कोई बड़ा कंडेंस्ड मिल्क पड़ा है, सारा कुकीज वगैरह, ये सारा कुकीज बनाने का सामान है। देखो पाई के लिए पड़ी स्पेशल आती है ये भी, 50 मास्क मिल रहे हैं सिर्फ $2 के। और यही टाइम था जब पिछले साल ये 50 मास्क आपको $50 के मिलते थे, $1 का एक मास्क था, और अब $2 में आपको 50 मास्क मिल रहे हैं। यहाँ पे मास्क पहनो ना पहनो तो चलता है, बाकी मैंने कहा आप लोगों को ये दिखाऊं $2 में 50 मास्क। तो गाइज आज मम्मी बना रही है साग, तो ये देखो डब्बे वाला साग मम्मी ने आज बनाना है, जो फ्रोजन थोड़ी ना है ये, तो डब्बे वाला है। तो गाइज देखो ऐसे मिल जाता है हमारे यहाँ पे साग डब्बे में, इसको ऊपर से तोड़ दो, और बढ़िया तड़का लगा रही है मम्मी उधर, और इसको थोड़ा ग्राइंड भी करना पड़ता है। बाकी आज साग बनाएगा मम्मी कहती है, आज साग बना के खिलाती हूँ तुम लोगों को, कितने दिन हो गए थे हमने साग नहीं खाया था, तो आज हम खाएंगे मस्टर्ड ग्रीन पोपाई। गलत बोल दिया मैंने, पोपाई खाता था स्पिनिच, और ये है मस्टर्ड ग्रीन, तो थोड़ा पक्का हो गया था। बट इसमें ये है कि इसमें हमें स्पिनिच नहीं डालना पड़ता, ये सिर्फ बना बना ही होता है, इसको ग्राइंड कर लो और तड़का लगा दो, बढ़िया चीज़ है। वैसे तो हमने पहले बहुत खाया, अब उसमें बीच में बंद कर दिया था, तो आज हम लेके आए हैं वॉलमार्ट से, तो खाएंगे आज साग। आजो फ्रेंड्स साग खाते हैं, साग हो गया रेडी, और साथ में रोटी और सैलड, साग बढ़िया लग रहा है। आज मौसम ठंडा ठंडा है, इसलिए हम बना रहे हैं साग और खा रहे हैं साग। आजो फ्रेंड्स, हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल जी एंड स्वागत है वेलकम टू अमेरिकन देसी व्लॉग्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और वीडियो अंत तक जरूर देखिए। करते हैं आज के नए व्लॉग की शुरुआत, लेके प्रभु का नाम बोलो जय सी हरा। गाइस तो बारिश पड़ रही है आज, मौसम बहुत ठंडा हुआ हुआ है, तो कल रात को मैं बता रहा था जैसे कि मौसम ठंडा था और इसलिए हम साग वगैरह बना लिया, बट आज तो थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा। और अभी हम जा रहे हैं जिम, और जिम का काम निपेट के फिर रात के घर पे कुछ लंच वगैरह करते हैं। तो गाइस टाइम हो गया लंच का, आज मम्मी ने बनाया है न्यूट्री, देखो घर पे ही हमने न्यूट्री बना ली, और साथ में आलू बैंगन, साथ में मम्मी रोटी ला रही है, बट ये मेरी फेवरेट है न्यूट्री। न्यूट्री के साथ यहाँ पे कुलचे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बट ऊपर धनिया देखो मम्मी ने कैसे काट के डाला, मज़ेदार। धनिया के बिना कोई सब्जी स्वाद नहीं लगती। और ये है आलू बैंगन, ये दीपिका के लिए बनाई है आलू बैंगन, और ये बनाई है मेरे लिए। तो साथ में मम्मी ने बना दी है मिस्सी रोटी, मिस्सी रोटी मतलब दाल वाली रोटी, और मक्खन आ रहा है। आज फ्रेंड्स पूरी तरह आज अब तो लंच करते हैं, तो मक्खन भी ले आई मम्मी और साथ में मिस्सी रोटी, मज़ेदार लंच बढ़िया बना आज। तो गाइस बारिश बहुत हो रही है, और हमने लंच वगैरह तो हो गया और चाय वगैरह भी पी ली, तो सोचा बाहर थोड़ी गेड़ी मार के आते हैं, जा रहे हैं बाहर घूम घूम के आ जाएंगे कहीं ना कहीं, इधर लोकल स्टोर पे कहीं जा रहे हैं। लेने वाला तो कुछ है नहीं क्योंकि ग्रोसरी वगैरह तो हम ले ही आए थे, बट दीपिका कहती जाना ही जाना है, तो जेडन सो, तो आप ही ने तो बोला था, तो जेडन सो रहा था
और हमने कहा कि चलो इस मौके का फायदा उठाया जाए और फटाफट लेके आए कुछ। कई बार हमारा भी मन करता है हम भी सो जाएं, बट हम सोते नहीं है क्योंकि फिर रात को ना नींद नहीं आती। रात को नींद नहीं आती, मैं 3-4 बजे उठ जाता हूँ, फिर नींद आती नहीं क्योंकि दोपहर को दिन को सो लेते हैं। इंडिया में बढ़िया होता था, गर्मियाँ होनी, पर्दे पुर्दे करने और एसी उसी चलाना, कूलर चलाना और सो जाना, बढ़िया रहता था। बट अब क्या होता है कि इतनी नींद आती है, रात को ज़्यादा आती है, दिन में आती है बट फिर रात को बहुत परेशान हो जाते हैं। पर चलो ये बातें तो चलती रहती हैं और आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ बाहर का। डॉलर जनरल ऐसे ही घूम रहे हैं, तो 4th of July का सामान भी आ गया, 4 जुलाई आने वाली इंडिपेंडेंस डे, तो इसलिए कितना सर्च कर दिया। देखो बढ़िया चीज़ है, मैं टप्पर पर पड़ा सारा, ये ले लो दीपिका, कितना बड़ा ये बोले। बट अभी 4 जुलाई का सामान देख लो, इन्होंने अभी से ही लगा दिया, अभी 4th of July आया नहीं है, बट फिर भी हर स्टोर में 4 जुलाई का सामान आ गया इंडिपेंडेंस डे का। तो ये बड़ा सारा इनका लॉन्ड्री का सेक्शन, ये डिश वॉशिंग का, कितने तरह के डिश वॉशिंग के सोप, लिक्विड सोप पड़े होते हैं, ये घर की फ्लोर साफ करने के लिए। ये सारा इनका टूथपेस्ट टूथब्रश का सेक्शन है, माउथ वाश देखो कितने ही पड़े हैं माउथ वाश, ये आ गए बॉडी वाश आ गए, बड़ी बड़ी चीज़ें रखी हुई हैं इन्होंने। ये देखो हैंड सैनिटाइज़र, तो ये पड़ा इनका सारा क्लियरेंस का सेक्शन, इनका क्लियरेंस का सेक्शन क्लियरेंस नहीं होती, इनका क्लियरेंस का सेक्शन रेगुलर प्राइस से भी ज़्यादा लगाया होता है इन्होंने, बट इन सब पे ऐसे येलो स्टिकर ऑरेंज स्टिकर लगे होते हैं, बट इनकी प्राइस रेगुलर प्राइस से भी ज़्यादा रखी होती है इन्होंने, और ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे ये क्लियरेंस पे। तो फिर ये मास्क ले लो, ये देखो सोना मास्क है, बढ़िया है, 125 का, बढ़िया चीज़ है, लेना। दीपिका उधर सामान देख रही है, चली गई उधर, और ये सारा इनका शैम्पू शैम्पू का सेक्शन बड़ा। दीपिका कुछ लेना है, कुछ मिला लेने वाला? अच्छा वो जा रही दीपिका, नहीं है तो चलते हैं यार, टाइम खराब हो रहा है, टाइम आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो देख के पढ़ लगाना पड़ता है कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो गाइस थोड़ा बहुत सामान ले लिया, बाकी अभी घर की तरफ निकल रहे हैं, बारिश देखो पड़ रही है, मौसम बहुत सुहाना हुआ हुआ है। मैं दीपिका को बोल रहा हूँ घर पे पकोड़े बना ले, बट मान नहीं रही है, डिनर हो शॉपिंग हो मतलब पकोड़े शकोड़े तो खाने ही बनते हैं। इसका सामान कर रख दिया, हरियाली देखो गाइस हरियाली कितनी हुई हुई है, बट आज सारा दिन ऐसे ही है, कल थोड़े बादल हैं बट मौसम खुल जाएगा, बढ़िया रहेगा कल तो। तो अभी हम लाइटों पे रुके हुए हैं, बाकी अभी घर जाएंगे, कुछ खाते पीते हैं, और खाना खाते पीते रहना चाहिए बंदे को, सेहत तकड़ी रखनी चाहिए, अगर घर पे भी बैठे हो तो खाते रहो और एंजॉय करते रहो, बाकी एक्सरसाइज भी करते रहिए और कोरोना से बचते रहिए। बाकी गाइस आज की व्लॉग बस यहीं तक करते हैं, दीपिका यहाँ पे बैठी है, दीपिका हेलो कर दो, मास्क पहना हुआ दीपिका ने, दीपिका तो उतारना ही भूल जाता है, दीपिका पहन के रखती है हमेशा ही और उतारने बाहर जाओ तो पहनती हूं मैं, भूल ही गया, उतारना ही भूल जाती है, हमारी तो सांस रुक जाती है, हमें सांस नहीं आती मास्क से, बट ये ब्रीदेबल होती है, फिर भी वो आदत नहीं ना, इतनी देर हो गई पहनते हुए फिर भी आदत नहीं बनती, बट कोई बात नहीं, चलो अब तो उतर ही गए हैं यहाँ पे हमारे। और गाइस एक बात बताऊं, उतर गए हैं मास्क पर लोग फिर भी बहुत पहनते हैं, ओ यार सारे पहनते अभी हैं। वही तो बात है जैसे पहले बताया था कि अभी लोगों को उतारने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है, कई लोगों ने उतार दिए, कल परसों वॉलमार्ट, कल वॉलमार्ट गए थे तो वहाँ पे कई लोगों ने नहीं पहने हुए थे,
और कईयों ने पहने भी हुए थे, हमने पहने हुए थे और कईयों ने नहीं पहने हुए थे, बट ऐसे चलता रहता, पहनो ना पहनो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है, पहनना पहन लो। बट गाइज दो बारी बोल चुका हूँ और तीसरी बारी फिर से, आज की व्लॉग बस यहीं तक, छोटी सी व्लॉग थी, ज़्यादा बड़ी बनाई नहीं क्योंकि आज कहीं ज़्यादा घूमने को भी नहीं था, बारिश बुरिश पड़ रही है, फिर बंदा थोड़ा लेजी सा हो जाता है और घर चलते हैं और पकौड़े खाते हैं। बट आप लोग हमारी व्लॉग को ऐसे सपोर्ट करते रहिए और कमेंट करते रहिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाते रहिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अगर कर लिया तो आगे से आगे शेयर कीजिए। गाइस जितना प्यार दोगे उतना हमें अच्छा लगेगा, उतना ही आपको अच्छा लगेगा, उतनी अच्छी अच्छी व्लॉग हमें बनाएंगे और हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि कहना है हमारे लिए होता है कि आप लोग लाइक कर दो और आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिल जाती है। बट गाइस ओके विद दैट बीइंग सेड आज की व्लॉग बस यहीं तक, हैव अ गुड नाइट गाइस।